आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर संख्या 14 जिसका नाम है समाज उपयोगी व्यवहार पूर्वाग्रह एवं भेदभाव के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, समाज उपयोगी व्यवहार से आप क्या समझते हैं? समाज उपयोगी व्यवहार से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, समाज उपयोगी व्यवहार उस व्यवहार को कहते हैं जो व्यवहार बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब दूसरे को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बिना किसी स्वार्थ के जो काम किया जाता है उसी को हम समाज उपयोगी या समाज उपयोगी व्यवहार के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, समाज उपयोगी व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन हैं? समाज उपयोगी व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, समाज उपयोगी व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर एक, समाज उपयोगी व्यवहार मनुष्य को अपने प्रजाति के दूसरे सदस्यों की सहायता प्रदान करने की एक सहज प्रवृत्ति पर आधारित है। दूसरा, समाज परोपकारी व्यवहार प्रायः अधिगम से प्रभावित होता है। तीसरा, संस्कृति भी समाज परोपकारी व्यवहार को प्रभावित करती है। चौथा, व्यक्तित्व समाज परोपकारी व्यवहार को प्रभावित करता है। अगला, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी समाज परोपकारी व्यवहार को प्रभावित करता है। परस्परता का मानक भी समाज परोपकारी व्यवहार को प्रभावित करता है। समानता और न्याय संगतता भी समाज परोपकारी व्यवहार को प्रभावित करता है। किसी के साथ तदनुभूति भी समाज परोपकारी व्यवहार को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, समाज परोपकारी व्यवहार के विशेषता को लिखें। समाज परोपकारी व्यवहार के विशेषता को लिखें। उत्तर होगा, समाज परोपकारी व्यवहार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक, इसमें आपका लक्ष्य दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने या भला करने का होना चाहिए। दूसरा, इसमें व्यक्ति का व्यवहार प्रायः निःस्वार्थ होना चाहिए। तीसरा, इसमें व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से काम करे, किसी के दबाव में नहीं। चौथा, इसमें व्यक्ति को सहायता करने के लिए कई बार कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है और कई बार कीमत भी चुकानी पड़ती है। चौथा प्रश्न है, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोत कौन कौन हैं? पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोत कौन कौन हैं? उत्तर होगा, किसी विशेष समूह के प्रति व्यक्ति की जो नकारात्मक अभिवृत्ति होती है उस नकारात्मक अभिवृत्ति को हम पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। पूर्वाग्रह के प्रमुख स्रोत हैं अधिगम मतलब सीखना, दूसरा बलि का बकरा बनाना, तीसरा सामाजिक अनन्यता, चौथा सत्य के संप्रत्यय का आधार तत्व, पांचवा स्वतः साधक भविष्योक्ति। पांचवा प्रश्न है, बलि का बकरा बनाना से आप क्या समझते हैं? बलि का बकरा बनाना से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, बलि का बकरा बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह अपनी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के लिए अल्पसंख्यक या बाह्य समूह को दोषी ठहराता है और अल्पसंख्यक इन आरोप से बचने के लिए या तो कमजोर होते हैं या बहुत कम संख्या में होते हैं और यह तरीका सिद्धांत कुंठा को दर्शाने का समूह आधारित तरीका है। छठा प्रश्न है, पूर्वाग्रह के उत्पत्ति के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन हैं? पूर्वाग्रह के उत्पत्ति के मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन हैं? उत्तर होगा, पूर्वाग्रह के उत्पत्ति के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक हैं, नंबर एक असामान्य व्यक्तित्व, दूसरा हताश आवश्यकताएं, तीसरा दोषपूर्ण समायोजन, चौथा आत्मरक्षा, पांचवा सामाजिक अनुरूपता की चाह, छठा सीखना।
सातवां नंबर प्रश्न है, पूर्वाग्रह के सामाजिक कारक कौन कौन है? पूर्वाग्रह के सामाजिक कारक कौन कौन है? उत्तर होगा, पूर्वाग्रह के सामाजिक कारक निम्नलिखित हैं। नंबर एक सामाजिक दूरी, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक अंतर, तीसरा सामाजिक निषेध व प्रतिबंध, चौथा सामाजिक परिस्थितियां, छठा सामाजिक घटनाएं। प्रश्न संख्या आठ या आठवां नंबर प्रश्न है, सामाजिक सुकरीकरण या सामाजिक सुगमीकरण क्या है? सामाजिक सुकरीकरण या सामाजिक सुगमीकरण क्या है? उत्तर होगा, दूसरों की उपस्थिति में किसी विशिष्ट कार्य का निष्पादन प्रभावित होता है। दूसरों के उपस्थिति में किसी विशिष्ट कार्य का निष्पादन प्रभावित होता है, इसे ही सामाजिक सुकरीकरण के नाम से जानते हैं। नौवा प्रश्न या चौदह नंबर पाठ का अंतिम जो प्रश्न है, पूर्वाग्रह के नियंत्रण की प्रमुख विधियां कौन कौन हैं? पूर्वाग्रह के नियंत्रण की प्रमुख विधियां कौन कौन हैं? उत्तर होगा, पूर्वाग्रह के नियंत्रण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर एक, पूर्वाग्रह के अधिगम के अवसर को कम करना, दूसरा अभिवृत्ति में परिवर्तन करना, तीसरा पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों में स्वतः साधक भविष्योक्ति की भावना को बढ़ाना, चौथा शिक्षा एवं सूचना के क्षेत्र का विस्तार करना, और पांचवा अंतः समूह संपर्क को बढ़ाना। ये रहा मनोविज्ञान चैप्टर संख्या 14 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगले क्लास में आगे के पाठ के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।